पूछ लूं सवाल ट्रूथ के लिए, उसका नाम क्या है? मैं कह रही हूँ किस किस का नाम लोगे? एक हो तो बोलो। कार्तिक के साथ आपको भूत पकड़ने की जिम्मेदारी मिली हुई कि आपने रोमांस का डिपार्टमेंट संभाल के रखा है? पकड़ा ना। क्या भूत? हाँ भूत पकड़ा। कॉमेडियन कपिल शर्मा एक बार फिर दर्शकों का मनोरंजन करने लौट चुके हैं। उनका लेटेस्ट शो द ग्रेट इंडियन कपिल शो नेटफ्लिक्स पर लौट चुका है। शो को खूब पसंद भी किया जा रहा है। शो में एक से बढ़कर एक सेलेब्स शिरकत कर रहे हैं। इस बार शो में भूल भुलैया स्टार कास्ट की महफिल लगने वाली है। कार्तिक आर्यन की फिल्म भूल भुलैया 3 रिलीज के लिए तैयार है। इस फिल्म में कार्तिक के साथ विद्या बालन, तृप्ति डिमरी और माधुरी दीक्षित है। इस फिल्म का सभी जोर शोर से प्रमोशन कर रहे हैं। अब कार्तिक हाल ही में कपिल शर्मा के शो द ग्रेट इंडियन कपिल शो में पहुंचे हैं। इस दौरान उनकी माँ भी साथ थी। हमेशा की तरह कार्तिक भी माँ अपने बेटे को लेकर मस्ती करती दिखी। दरअसल शो का प्रोमो सामने आया है जिसमें सभी फिल्म की टीम कपिल के साथ मस्ती करते दिखे। कपिल सबसे पहले सबका ग्रैंड वेलकम करते हैं। विद्या बालन को गले लगाकर कपिल कहते हैं कि बहुत दिनों बाद आप यहाँ आई। इस पर विद्या कहती हैं कि आप हमें भूल गए थे, इसीलिए हम भूल भुलैया लेकर आए हैं। जिस पर सभी ठहाके लगाकर हंसने लगते हैं। कार्तिक आर्यन भी खूब मस्ती करते दिखे। इस दौरान विद्या कार्तिक से सबके सामने सवाल करती है कि उनकी गर्लफ्रेंड का नाम क्या है। विद्या कहती है कि मैं पूछूं एक सवाल, ट्रुथ के लिए उसका नाम क्या है? कार्तिक इससे पहले कि जवाब देते तभी उनकी माँ बोली, मैं कह रही हूँ किस किस का नाम लोगे, एक हो तो बोलो। कार्तिक की माँ की बात सुनकर सभी हंसने लगे। शो में कार्तिक आर्यन तृप्ति के साथ भी खूब मजाक करते हैं। कपिल तृप्ति से पूछते हैं कि फिल्म में कार्तिक के साथ आपको भूत पकड़ने की जिम्मेदारी मिली है या सिर्फ रोमांस करने का डिपार्टमेंट संभाल रखा है? जिस पर तृप्ति कार्तिक से कहती है पकड़ा ना। इस पर कार्तिक कहते हैं कि क्या, तब तृप्ति कहती है भूत और क्या। फिर कार्तिक कहते हैं हाँ हाँ भूत पकड़ा। इस बात पर सभी हंसने लगते हैं। इसके बाद प्रोमो में आप देखेंगे कि सुनील ग्रोवर सलमान बनकर और कृष्णा अभिषेक शाहरुख खान बनकर आते हैं। दोनों को देखकर कार्तिक विद्या हैरान हो जाते हैं। कार्तिक फिर उठकर दोनों को गले लगाते हैं। फिलहाल फिल्म भूल भुलैया 3 की बात करें तो यह इस दिवाली पर यानी कि 1 नवंबर को रिलीज हुई। इस फिल्म को लेकर फैंस काफी एक्साइटेड हैं क्योंकि इसके पहले के दोनों पार्ट यानी कि भूल भुलैया और भूल भुलैया 2 को काफी अच्छा रिस्पांस मिला था। फिल्म हिट थी, वही फिल्म के शो का ये वीडियो काफी शानदार होने वाला है। वैसे आप इस एपिसोड के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहें म्यू वुल्फ को।